ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਕਿਲੋ ਲਾਹਣ 15 ਚਾਲੂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ 800 ਬੋਤਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਹਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ शराब का धंधा होर कौन कर रहे हटवे पिंड हटवा तू पाकिस्तान कमरा कुमरा है नहीं फिर रहे बेचते की भाव सी किस रेट से बेचते उर मैं इतने आन के सारा पिंड ही खराब कर रहा है किन्ना माल पाया गुड़ किन्ना पाया शराब बनानी शुरू कर लो जमीन है अपनी जनाले तू इथे की लेना गए शराब कड़ता इस करके आगे भी शराब कड के धंधा शुरू कर दता तु उधर सहायक कमिश्नर आबकारी अवतार सिंह कंग ने कहा कि पहली बार चालू भट्टियां समेत दो तस्करां नूं काबू किया गया जिन्हां दी पहचान बाऊ ते गुरदीप सिंह वजो हुई है जो कि पिंड मौजपुर जिला गुरदासपुर दे रहण वाले ने उन्होंने कहा कि दोषियों खिलाफ मामला दर्ज करके आबकारी एक्ट दी धारा 61 तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पंजाब सरकार अते आबकारी विभाग वालों जीरो टॉलरेंस नजायज़ शराब का जो मुहिम छेड़ी गई है इस मुहिम नूं बहुत ही अच्छे तरीके दे नाल साढ़े आबकारी विभाग के सैकटरी श्री ए विनू प्रसाद जी IAS अडिशनल चीफ सैकटरी कम फाइनैशियल कमिश्नर टैक्सेशन इस ही तरह सत्कारयोग रजत अग्रवाल जी IAS एक्साइज कमिश्नर पंजाब जी के निर्देशों के तहत अज हुशियारपुर जिले में बहुत ही खुफिया तरीके मंड के एक कामयाब आबकारी रेड किया गया। इस रेड को सवेरे तड़के 5 बजे तो ही अंजाम देना शुरू कर दिता गया सी जिदे विच वड्डी पद्धर ते अज सानू नजायज़ शराब तैयार करने वास्ते तैयार की गई लाण जो तकरीबन 40,000 किलो बरामद की गई है। इसे ही तरह 15 चलदियां पट्टियां बरामद की गई ने
और नजायज़ शराब जी तैयार की गई है कोई 800 बोतल वह भी बरामद की गई है। अज तक पिछले समय के दौरान कोई साढ़े इन मंड ऑपरेशन के दौरान कोई समगलर हथी नहीं लगा, हमेशा ही वो पानी का सहारा लैके छोटी मिनी बोट राही गुरदासपुर वाली साइड में भजन च सफल होंदे रहे हैं। बट अज बहुत ही वधिया तरीके दे नाल ये रेड जो हैंडल करन ते अज सानू वड्डी सफलता मिली आ कि दो नामी समगलर भी असी काबू कीते ने, जेडे कि पिंड मोचपुर जो कि बहुत ही बदनाम पिंड है गुरदासपुर जिले का, वो तकरीबन सारा पिंड ही नजायज़ शराब के धंधे नाल शामिल है। उस पिंड के निवासी ने यह वह जो अज चलदी पट्ठी तो अही अज बरामद किए गए हैं और इन्हते जिते चलदी पट्ठियां अं परचे दर्ज करांगे उत्थे असी आम पब्लिक नूं भी सूचित करना चाहवांगे भी ये जी नजायज़ शराब जो सस्ते पाते 25-30 रुपये बोतल दे पब्लिक नूं दे रहे हैं, ये इन केस फैक्चुअली ये जहर सप्लाई कर रहे हैं। ये जी हुण शराब तैयार की जाती है बहुत ही घटिया किस्म के पदार्थों तो जी शराब तैयार होंदी आ, कई जहरीले जीव जंतु भी ये मंड दे विच इसे जी लाण आ शामिल हो सकते हैं, ये शराब जहरीली भी हो सकती है। तो पब्लिक नूं सुचेत किया जाता है भी जही घटिया किस्म की जो साड़ी सेहत लई हानिकारक है इस शराब का सेवन ना किया जाए। तो उत्थे मेरी इन्हां समगलरां नूं भी ताड़ना है भी जिवें पंजाब सरकार ने फैसला लिया भी असी जीरो टॉलरेंस जी है नजायज़ शराब की यह मुहिम छेड़ी आ, असी ये वादा करते हैं भी असी एक तुबका भी नजायज़ शराब हुशियारपुर जिले से नहीं विकड़ देंगे। तो सो इन बेनती है भी ये चुप करके अपना नजायज़ शराब का धंधा जोड़ा ये बंद करके मेन स्ट्रीम जान। पंजाब सरकार ने बहुत सारा हर हर जिले के रुजगार मेले लाने दी कोशिशां की जा रही ने और करी भी जा रहे हैं और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दे के कोई रुजगार कोई चज का कोई हैगा अच्छा तरीके इज्जत वाला कोई धंधा शुरू करन जिदे सरकार हमेशा ही इन्हां दी सपोर्ट करती रही है और सपोर्ट करेगी, इन्हां कोई धंधे में लगाया जाएगा जिथे ये अच्छे नागरिक साबित हो सकेंगे। सर पकड़े गए जिहड़े आरोपी ने जी पहला भी इस तरह के कोई काम करते हैं? हाँ पिछे इन्हां दा कोई असी इनकुआरी तो पता किया भी ये बेसिकली जनाला कस्बा है अमृतसर जिले का उत्थों के जो मूल वसनीक आ, तो उतों नैचुरली इन्हों का एक मुंडा काफ़ी देर तो यह मोजपुर पिंड रह रहा है, तो लगता इसे ही सिलसिले नजायज़ शराब के धंधे ये इतने इन्हों दरिया का बड़ा बेनीफिट है, ये छोटे छोटे आइलैंड ने दरिया के उत्थे अपना नजायज़ शराब का धंधा शुरू कर लेंगे। इस सिलसिले में ही ये 1.5-2 साल तो ये पिंड आना शुरू हुए हैं तो उत्थे इन्हें इसे धंधे सम्मिलित हो गए हैं। इस अलावा होर भी बहुत सारी जी इनफॉर्मेशन आ असी इन्होंने समगलरों तो गदर की है जी असी मानयोग SSP गुरदासपुर जी को शेयर कर रहे हैं। जदों समस्या का है हल फिर क्यों हो परेशान, जिमें मन चाहया प्यार पति पत्नी च अणबण काले जादू का खात्मा वशीकरण लाटरी नंबर पाओ प्यार विच धोखा खादे हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो संपर्क करो विश्वनाथ तांत्रे। तुसी संपर्क कर सकते हो 90244-70842। मैं अपने ये मोढ़िया ते गोढ़िया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैनू फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोडे भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक के इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैं बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी, मैं मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैं तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं कितनी सोसाइटी बैठे कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री रिलीफ जिन्हें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जिसे लगाने नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया, तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो वो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले, ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा। की तुहाडा विदेश विच घूमण दा है सुपना, की तुसी विदेश विच पढ़ना चाहते हो या फिर विदेश जाके वसण दा है इरादा या रिफ्यूजल दा कर रहे हो सामना, तो एक ही भरोसे योग नाम है SE इंटरनेशनल इमीग्रेशन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। टूरिस्ट वीजा स्टडी वीजा
PR ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ USA ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ UK ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹਗੀਰ ਬਣੇਗਾ SE ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 73407 37362 73407 37369